ये उन दिनों की बात है। भाभी जी, वो लड़का समीर जैसा दिख रहा है ना? बेला नहीं बा, वो दिख नहीं रहा, वो भोलू राम ही है। भगवान झूठने बोले भाभी जी, ये शादी में क्या कर रहा है? भाई साहब ने तो इसे निकाल दिया था ना घर से। ओ भाई बेला, तू सच्ची में चश्मा लगवा ले। अरे लड़के वालों के साथ नाच रहा है, बारात के साथ आया है, मेहमान है हमारा। हाँ अब तुम कहीं उसे अकेला देखकर काम मत बता देना। क्या भाभी जी, आप भी, आपका भोलू राम बहुत अच्छा है। ओ भाई बेला, अब तू बाराती देखती रहेगी कि नीचे चल के बारात का स्वागत भी करेगी? चल चलिए भाभी जी आइए। બાજુ કડી અને બીજી બાજુ ફૂલ છે, દિલના હિસાબમાં બહુ મોટી ભૂલ છે। એક બાજુ કડી અને બીજી બાજુ ફૂલ છે, દિલના હિસાબમાં બહુ મોટી ભૂલ છે। આપણા તો બંને બાજુ ડબ્બા ભૂલ છે કાચીનો। अरे समीर, तू नाच क्यों नहीं रहा है? बागीरो काजीरो काजीरो बागीरो बागीरो काजीरो गाड़ो केर छे। क्यों चुपके से तुझे मुड़कर अक्सर देख लूं, क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं। तुझसे छड़ जाना बुरा लगता है, क्यों खुश हो जाती हो जब कभी तू हंसता है, तू हंसता है। ये उन दिनों की बात है। तू आ गया? घर की शादी है, मेरे से रहा नहीं गया तो मैं आ गया। अच्छा किया तू आ गया। जब तू यहाँ से गया था ना, तो दिल बहुत उदास कर गया। अब आया है ना, तो ऐसा लग रहा कि चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ साथ में लेकर आया है। ताकत, पावर, इसके कई अलग अलग रूप होते हैं। फिल्मों के हीरो की ताकत दिखती है गुंडों को मार गिराने में और सबका सुख चैन लौटाने में। और एक मेरा हीरो था जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका चार्म और दिल जीतने की खूबी, जिसे इस्तेमाल करके उसने बड़ी आसानी से नाना जी को मना लिया और मेरे दिल का सुख चैन लौटा दिया। पंडित देख, मेरा रसगुल्ला कितना गजब का लग रहा आज। वो देख, कड़वा करेला। इतनी बेइज्जती की फिर भी बेशर्मों की तरह सर उठा के चले आए तो गए, लेकिन अपने पैरों पे जान ही भाग गया। क्या चुप करो, क्या तमाशा लगा रखा है? शादी का माहौल दिखाई नहीं दे रहा तुमको? सब दिखाई दे रहा भाई साहब, इन बेशर्मों की करतूत। और हाँ, उस अमीर जादे की तो मैं खबर लेता हूँ। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से बोला तो।
वो महेश्वरी जी का पोता है। और राकेश तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा होने वाला दामाद महेश्वरी जी क्या काम करता है? वो बराती है, बराती बनकर आया हुआ यहाँ। लेकिन भाई साहब चुप, एक अब भी मुझसे बुला ना राकेश, सुन लेता हूँ, वो बात याद रखना। अगर तुम्हारी वजह से शादी में कोई बखेड़ा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ, कोई बात नहीं, चलो जाओ, चलो। मेरे भाई की शादी है, चलो साथ में डांस करते हैं। क्यों बहना, तुझे जीजा जी के साथ नहीं नाचना? तेरे जीजा जी को दूसरों के साथ नाचने से फुर्सत हो तब ना। होता है होता है, लेकिन तू घबरा मत, तेरा सजना ना चाहे किसी के साथ भी नाच ले, आखिर में सजना तेरा ही रहेगा। पर समीर को जरूरत क्या पड़ी है उसके साथ डांस करने की? मेरी भोली बहन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समीर उसके साथ नहीं बल्कि वो जीजा जी के साथ नाच रही हो। लेकिन वो है कौन? पूजा दीदी की ननंद, बड़ौदा में पढ़ती है, आज एग्जाम खत्म हुई है इसलिए अब आई है, बहुत नकचढ़ी है। जी मैं ये करा, आप करेंगे नागिन डांस और मैं पंडित बनेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बनूंगा सपेरा, तुम बनोगे नाग और नागी। अरे बड़ी जल्दी थक गया भोपा। अरे नाच गाना बहुत हो गया, अब दूल्हे को घोड़ी से उतारो, हम फूफा आएंगे फूफा। अरे लेकिन फूफा जी रसम के हिसाब से दूल्हा को घोड़ी से दुल्हन का भैया उतारता है। अरे कहाँ है दुल्हन का भाई, कोई बुलाओ मैं दूल्हे के भाई का। अरे कहाँ है आज का अर्जुन? अर्जुन बेटा जा जीजा जी को घोड़ी से उतार दे, जा। अरे भाई आजा, कब से हमारा दोस्त घोड़ी पे बैठे बैठे थक गया, आजा आजा जल्दी आजा। अरे बेटा आजा आजा, उतार ले घोड़ी वाले, आगे अरे क्या, आजा बेटे आजा, उतार उतार बेटे उतार, तेरा ये होने वाला जीजा है। अरे लड़की के भैया, ये है दूल्हा और ये घोड़ी, इसलिए इधर ना देखो उधर ना देखो वरना घोड़ी बुरा मान जाएगी। चलो उतार बेटा उतार। अरे आराम से आराम से आराम से। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा और मुस्कुराइए। अरे इससे ज्यादा स्माइल किया तो दांत बाहर आ जाएंगे। और दूल्हे के थोड़े से साथ हो जाइए। भाई से थोड़ी देर बाद आराम से शूटिंग करना, बराती को अंदर आने दे, बाकी रस्म भी शुरू करनी है। बस फिर बाद में आप लोग बोलेंगे कि मिलने का वीडियो सही नहीं बना। अरे वो मनमोहन देसाई, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो ऑटो अब सबको अंदर आने दो। ठीक है बेटा बाद में कर लेना, अभी सारी रात बाकी है, अभी दूसरी रस्में शुरू करते हैं। पंडित जी बोलिए बुआ क्या करना है अभी? तोरण की रस्म के लिए आ गए हैं।
भी सही है भाई, आज की कैसेट की तरह ए साइड में है ना, और बी साइड ये कल्या। मेरी कैसेट में ए साइड भी नैना ही और बी साइड भी। यार सच्ची बता रहा हूँ, ये मधुमक्खी ना तेरे सर पे तो ऐसे बनबना रही थी जैसे ये जलेबी में रबड़ी है। पता है मुझे। पता ही तो नहीं है तुझे, ये मधुमक्खी जितना तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही है ना उतनी तेज नैना डंक मारेगी तेरे में। तुझे घूर रही थी भाई, तूने जितने पापड़ बेले ना तेरा होने वाला ससुर हमें पेल चुका है, अगर अब नैना फिर नाराज होगी ना तो अकेली जाना उसे मनाने। समझा कर हमसे अब और नहीं होगा। जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ना। हाँ हाँ समीर चलो ना। मम्मी ने बुलाया है कि तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। मम्मी ने बुलाया? चलो ना समीर। मम्मी बुला, मम्मी बुला रही है इसकी यार। हाँ जल्दी आ। अब तो हम लड़की वाले दुल्हन लेके ही जाएंगे। ऐसे कैसे, हम भी लड़की वाले हैं, इतनी आसानी से दुल्हन देंगे नहीं। हाँ, सही है। पहले जीजा जी की नाक खींची जाएगी, उसके बाद ही आप दुल्हन को ले जा सकते हैं। दूल्हे की नाक अपने ससुराल में और दुल्हन अपने ससुराल में। दिल तो कह रहा था कि जीजा जी की नाक नहीं बल्कि समीर के कान खींचूं और पूछूं कि वो उस नीले पंख वाली मधुमक्खी को अपने आसपास क्यों मंडराने दे रहा है। बात ये नहीं थी कि मैं समीर पर भरोसा नहीं करती थी, उस पर तो खुद से ज्यादा भरोसा था मुझे, पर ये तो उस जमाने में भी होता था और आज भी होता है कि किसी तीसरी मक्खी के भिनभिनाने की झुंझलाहट हम अपने ही आंगन के भंवरे पर निकालते हैं। बात गुस्से से ज्यादा हक की थी, समीर पर गुस्सा करना मेरा हक था क्योंकि समीर पर मेरा हक था। मेरा बस चलता ना तो मैं अपने हक के लिए उस मधुमक्खी को किसी बोतल में बंद कर देती जहां समीर की खुशबू भी उस तक नहीं पहुंच पाती। इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। ये नैना ने बिल्कुल सही कहा। बेला जा, जाके होने वाले दूल्हे की नाक खींच लो। भैया ये हमारी नाक का सवाल है, इतनी आसानी से नाक नहीं पकड़ने देना। हमारी नाक है, हमारी नाक है। ऐसे कैसे, हम भी लड़की वाले हैं, बिना नाक खींचे तो दुल्हन को नहीं ले जाने देंगे। खींचो खींचो मम्मी। अरे वाह नैना, तू तो बहुत प्यारी निकली। हम जीत चुके हैं, लड़की वाले जीत चुके हैं और लड़के वाले हार चुके हैं। मिलनी का मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी मिलनी आराम करवाइए। हाँ जी। हाँ हाँ शुरू करो शुरू करो। परिवार के सबसे बड़े मुखिया ताऊ जी से शुरू करते हैं। आइए। दोनों पक्षों से लड़के के भाई आगे आ जाए। अरे भाई अर्जुन। पंडित जी वरुण का कोई भाई तो नहीं है, एक चचेरा भाई है लेकिन उसकी परीक्षा चल रही है इसलिए वो आ नहीं पाया शादी में। भाइयों की मिलनी होना अत्यंत आवश्यक है। अरे पंडित जी मिलनी होगी और जरूर होगी, लड़की के भाई के साथ समीर की मिलनी करवा दीजिए। और वैसे भी समीर तो हमारे बेटे जैसा है। आओ ना
बेटा। अरे सारे साहब थोड़ा सा मुस्कुरा ना। ये लीजिए मारा लीजिए। पहले भी तुम्हें मेरे हाथों हार ही मिली थी और आज भी मेरे हाथों हार ही मिला है। वो हार हार नहीं जिसमें आप दूसरों के दिल जीतते। मैंने यहाँ सबके दिल जीते हैं तो मुझे इस हार का कोई डर नहीं। अरे पैसा दे दो। अरे अरे कोई फोटो खींचो। मतलब चीजा जी और साला गले मिल रहे हैं। मिलनी संपन्न हुई। ऐसा कैसे संपन्न हो गया? मेरी मिलनी तो हुई नहीं अभी तक। हाँ? आप कौन साहब है? मैं कौन? मैं लड़की का छोटा ताऊ हूँ। क्षमा हाँ। कीजिएगा हमें आपका नाम नहीं बताया गया लेकिन मिलनी तो होनी चाहिए। हाँ तो एक काम करते हैं, वर पक्ष से कोई लड़के का छोटा ताऊ या चाचा है तो उसे बुला दीजिए। वरुण के चाचा तो है लेकिन वो शादी में आज आ नहीं पाए। तो फिर ये मिलनी कैसे होगी? वर पक्ष में कोई बचा है जिसकी मिलनी नहीं हुई हो? हम बचे हैं जी। हम तो ऐसे दोस्त हैं आलू की तरह, किसी भी सब्जी में डालो सब्जी तैयार। भाई या चाचा क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। अरे आपकी तरफ इतने सारे बड़े लोग हैं, किसी से भी करवा दीजिए मिलनी। ये दोनों भी तो हमारी तरफ से ही हैं और महेश्वरी जी के खास रिश्तेदार भी हैं। और इनमें कोई कांटे थोड़ा लगी है जो आपको चुभेंगे। सही बात है, सही बात है। राकेश, राकेश मिलनी कर लो ताकि शादी की बाकी रस्में शुरू करें। चलो कोई बात नहीं। आजा आजा राकेश। आ जाओ राकेश, चलो चलो आओ बेटा आओ, चलो चलो। ओम अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपं सनातनम्। सबकी मिलनी हो गई थी, औपचारिकता वाली भी, रिश्तेदारों की भी, दुश्मनों की भी और गुरु शिष्य की भी, पर रह गई थी तो दो दिलों की मिलनी। दूरदर्शन से मन्नत में मांगा हुआ मेरा चांद पूरे 24 घंटे बाद घर आया था। अभी आशिकों की मिलनी बाकी थी। पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तू। पंडित देख रहा आज खुद मेरा फूल जैसा पंडित फूल बरसा रहा। क्यों, तुम्हें सिर्फ कांटों की आदत है क्या? कांटे क्या, आप लोग तो प्यार से कांटे भी बरसा दो ना तो वो भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब।
वो मैं क्या कह रही हूँ ना कि तू मौके पे चौका मार दे बहन। देख जीजा जी भी एकदम जोश में है। मैं तो बोलती हूँ कि इसी मंडप पे ना तुम दोनों के भी फेरे करवा देने चाहिए। मम्मी से बात करूँ? पागल है क्या? ऐसे प्यार में तो कोई भी पागल हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.